बहुत बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री संदीप कुमार को मंत्रिमंडल से हटा दिया है, सैक कर दिया है। ऐसा क्या हो गया विवेक जी? देखिए, आज जिस दिन दिल्ली की जनता को जाम से मुक्ति दिलानी थी, पानी से मुक्ति दिलानी थी, आप तो महिला और बाल विकास मंत्री से मुक्ति दिला रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल को ट्वीट करना पड़ा कि हमने महिला बाल विकास मंत्री संदीप कुमार को मंत्रिमंडल से हटा दिया? ये कौन से मंत्री है जिसको हटा रहे हैं आप? पहले जितेंद्र तोमर, उसके बाद एक दूसरे मंत्री और इसके बाद तीसरे मंत्री, क्यों हटा रहे हैं? देखिए दीपक जी, अब ये क्या तथ्य और क्या कारण है क्यों हटाया, चूंकि अभी मैं आपके साथ डिबेट में हूं, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है, मैं कर लूंगा, फिर मैं आपको अगर इस बीच में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी बता दूंगा। लेकिन एक चीज साफ है कि आपने जिन दो मंत्रियों के जिक्र किया, आम आदमी पार्टी की नैतिकता है कि जितेंद्र तोमर के ऊपर जैसे ही आरोप लगे और उनपे उनके खिलाफ FIR हुई, आम आदमी पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया। दूसरे मंत्री की जिनकी आप बात कर रहे हैं, इमरान जिन मंत्री की आप बात कर रहे हैं, उनको उनके खिलाफ जैसे ही आम आदमी पार्टी को सबूत मिले, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नैतिकता के, उन्होंने किसी की शिकायत पे नहीं, उनके पास खुद एविडेंस आया और उन्होंने अपने मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाला। इस पार्टी में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो काम करेगा वो। आप ऐसे ही मंत्री रखते हैं जिनके बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, जिनके बारे में फॉर्म भरवा रहे थे आप, जिनके लिए मोहल्लों मोहल्लों से आवेदन मंगवा रहे थे आप, जिसके लिए 500 सिग्नेचर मंगवा रहे थे, उनको हटाना पड़ रहा है आपको? बड़ा बैकग्राउंड चेक था आपका। पहले मैं आपको कारण बतवा देता हूँ, अजीत श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हैं फोन लाइन पर। कल बदल जाए। आप सुन लीजिए विवेक यादव जी, जानकारी आप भी ले लीजिए कि हुआ क्या है। मैं अपने सहयोगी अजीत श्रीवास्तव को टेलीफोन लाइन पर लेता हूँ, मेरे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव जो आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी की सरकार कवर करते हैं। अजीत, क्या मामला है ये पूरा? अजीत, हेलो अजीत भाई नहीं है, चले गए। अच्छा, पुलकित नागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या मामला है ये पूरा? है जिसकी जिसमें ये कहा जा रहा है कि संदीप कुमार के खिलाफ कुछ बड़ी बड़े सबूत है, और ये बात काफी दिनों से चल रही है, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी ये चर्चा आई थी कि संदीप कुमार को मंत्री पद से हटाया जाएगा, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आज फिर ये सीढ़ी सामने आ रही है, और इसी के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि संदीप कुमार को मंत्री पद से हटा दिया गया है। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी ने इसके पीछे की वजह नहीं बताई है कि आखिर उस स्टिंग ऑपरेशन में क्या है, लेकिन ये चर्चा है कि एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है संदीप कुमार का, जिसकी वजह से इन्हें हटाया गया है मंत्री पद से। जी ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, लेकिन पुलकित आप तो बड़े लंबे टाइम से आम आदमी पार्टी कवर करते थे, आम आदमी पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट रखे थे उनके लिए बकायदे मोहल्लों से आवेदन मंगाए थे, 500 लोगों के सिग्नेचर मंगाए थे, कहा था ठोक बजा के ईमानदार होंगे, कमेटी उनका सिलेक्शन करेगी। अब ऐसी कौन सी नौबत आ रही है कि एक या तो उनके विधायक जेल जा रहे हैं, या उनके मंत्रियों को एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कारण, जालसाजी के कारण, या फिर स्टिंग के कारण हटाया जा रहा है? देखिए, दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव के वक्त जरूर किया गया था, लेकिन इसी के साथ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने ये सवाल भी उठाए थे कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया वो ठीक से नहीं किया गया, और इसी को लेकर पार्टी में बहुत विवाद भी इनकी तरफ से किया गया था। उन्होंने बकायदा एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें कहा था कि इन लोगों को हमने रखने से मना किया था, इन लोगों का सिलेक्शन ठीक से नहीं किया, और ये आरोप लगाया कि पार्टी ने जब दोबारा चुनाव आया तो फोकस इस बात पर किया कि वो कैसे दिल्ली में सत्ता में वापस आएंगे, सत्ता की चाबी उन्हें कैसे मिले, किया गया कि आखिर कौन कौन लोग उनके क्राइटेरिया के हिसाब से सही बैठते हैं। ये आरोप योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की तरफ से लगाए गए, और ये विरोध भी पार्टी में लगातार होता रहा। हालांकि पार्टी की तरफ से तमाम नेता, संजय सिंह, आशुतोष जो उस समय इंचार्ज थे लोगों के सिलेक्शन के लिए, वो हमेशा ये दावा करते रहे कि पूरा बकायदा लोगों से सुझाव लिए गए हैं, उनके बारे में नेट पर डाला गया है, और सुझाव के बाद ही उन्हें टिकट दिया गया है। जी, लेकिन कैसे जितेंद्र तोमर जैसे लोग, जो दूसरे उनके मंत्री थे वैसे लोग, और साथ ही साथ ऐसे कई सारे लोग जो बड़े बड़े ऐसे बैकग्राउंड के थे जिनके बारे में हमेशा से संदेह था, क्या आम आदमी पार्टी का फीडबैक सिस्टम इतना खराब था, या उन्होंने भर्ती में किया, या जानबूझ के विवादित लोगों को टिकट दिए?
देखिए जिस तरीके की स्थिति अभी डेढ़ साल के अंदर नजर आ रही है उसके बाद तो ये साफ कहेंगे जितेंद्र तोमर को जिस समय फर्जी डिग्री का मामला सामने आया था तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पुलकित आपको रोकूंगा। इंडिया न्यूज एक खुलासा करना चाहता है और वो खुलासा ये है कि इंडिया न्यूज के पास ये सीडी मौजूद थी लेकिन सीडी इतनी आपत्तिजनक थी कि वो कतई से नेशनल टेलीविजन पर दिखाने लायक नहीं थी। मैं चाहूंगा कि मुझे फुल फ्रेम में लिया जाए। मैं एक पत्र दिखा रहा हूं आपको और ये पत्र इंडिया न्यूज को भी अपने सूत्रों से मिला था। इस पत्र में साफ लिखा हुआ है सेवा में महोदय मुझे कुछ विशेष सूत्रों से एक वीडियो व कुछ फोटोग्राफ मिले हैं जो कि अत्यंत आपत्तिजनक मुद्रा में हैं और ये सब दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार के हैं। आशा व प्रार्थना है कि इस पर उचित और हर मुमकिन कार्रवाई तुरंत प्रभाव से उचित कानूनी व हर मुमकिन कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाएगी। संलग्न पेन ड्राइव भी मौजूद है और साथ ही साथ ओम प्रकाश पता B1/17 अमन विहार P4 रोड सुल्तानपुरी। ये वो चिट्ठी है जो इंडिया न्यूज के पास आई थी लेकिन इंडिया न्यूज के पास वो सीडी भी मौजूद है वो तमाम फोटोग्राफ भी मौजूद हैं लेकिन हम वेरीफाई कर रहे थे, हम फैक्ट्स क्रॉस चेक कर रहे थे और डबल चेक करने के बाद हम इसको दिखाना चाहते थे। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से विवेक यादव जी से जानना चाहूंगा। विवेक यादव जी आम आदमी के स्पोक्स पर्सन अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक ये क्या है? एक को भ्रष्टाचार में हटाया जाता है, एक को मोरालिटी के चक्कर में हटाया जाता है और हमारे पास भी ये सीडी मौजूद है। दीपक भाई एक निवेदन आपसे करूंगा, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट का निर्बाध बोलने का वक्त दीजिए तो मैं अपनी पूरी बात रख पाऊं। देखिए सबसे बड़ी चीज एक है कि आपने ये कहा कि हमने पूरी टेस्टिंग की और उसके बाद टिकट दिए और फिर उसके बाद कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, इसको तो आपको एप्रिसिएट करना चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है पर निकल पा रहा है भाई, लोगों को जांच पड़ताल करने के बाद अगर वो खोदा पहाड़ और निकली गंद रही है, खोदा पहाड़ और निकले चूहे। सुन लीजिए सर, अब आप सुनना ही नहीं चाह रहे, सुन लीजिए पहले। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब जिस समय हमने टेस्टिंग की थी, आज मैं अपने आप के बारे में दावा कर सकता हूं तो मैं पूरी तरह ईमानदार हूं, लेकिन कल का क्या भरोसा? दीपक भाई आपका भी भरोसा नहीं है इस पूरे सिस्टम में, कल कौन भ्रष्ट हो जाए इसका भरोसा नहीं है। हम आज की तारीख में आदमी को देखते हैं, उसका चरित्र जांचते हैं, उसका बैकग्राउंड टेस्ट करते हैं, आदमी ठीक है, लेकिन सत्ता के लालच में कल कोई अगर बेईमान हो जाएगा तो उसको बक्सेगी नहीं आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है और मुझे लगता है आप जैसे लोगों को इसको ऐसी पार्टी बंगाल पैसे लेते हुए देखा जाता है। मैं आपको दाद दूंगा, इतने अच्छे चरित्र के लोगों को लाए आप पहाड़ को। नहीं, कुछ लोग बहुत 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 नहीं अरे तीन तो अरे तो इतने बुरे चरित्र के लोग भी नहीं है, आप समझिए। एक दो लोग अगर गलत निकले तो कार्रवाई की है भाई, कम से कम आपको इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बजाय आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं जो सरेआम टीवी पे पैसा लेते हुए दिखाई गए? और आपने देखा होगा पिछली बार जब एनडीए की सरकार थी, तहलका ने एक स्टिंग किया था और इस स्टिंग में कितने लोग और पूरी पार्टियां बचाने पे आमादा होती हैं अपने बेईमान लोगों को। आम आदमी पार्टी एक पार्टी ऐसी है कि अगर कहीं से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गड़बड़ किया है, आम आदमी पार्टी बिना आपने तो नहीं दी थी, आपने तो नहीं दिया था ये पत्र, आम आदमी पार्टी ने खुद से ये सबूत मिलने पे अपने मंत्रियों पर कार्रवाई की। अजीत हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं, वो इस वक्त मंत्री संदीप कुमार के घर में, कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार जिसके बारे में ये पत्र इंडिया न्यूज को मिला था और इंडिया न्यूज ने वो पूरा पत्र आपको साफगोई से पढ़ के सुनाया है। केजरीवाल ने इस बात को माना है कि इस तरह की आपत्तिजनक सीडी आम आदमी पार्टी और सरकार को मिली है। इससे पहले भी ये चर्चा थी कि हाँ इस तरह की सीडी मिलने के बाद संदीप कुमार को हटाया जा सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ प्रभावशाली नेताओं के इंटरवेंशन के बाद संदीप कुमार को मंत्री पद पे कंटिन्यू रखा गया। महिला और बाल विकास मंत्री थे संदीप कुमार। अजीत क्या है पूरा मामला? को चुनकर भेजा है कैसे लोग? देखिए दीपक जी मैं बताना चाहूंगा पूरा जो मामला है वो एक महिला के उत्पीड़न का मामला जुड़ा हुआ है जिसमें वो पूरा स्टिंग सामने आया है। उसी के बाद से तमाम इसकी शिकायतों का दौर चल रहा था, पार्टी में काफी दिनों से वेरीफाई भी किया जाता क्या ये हकीकत है क्या ये फसाना है, लेकिन तमाम वेरिफिकेशन के बाद जब ये अरविंद केजरीवाल के पास जाता है संज्ञान में आता है तो केजरीवाल तुरंत ही ट्वीट करके कहते हैं कि इस तरह की बात को सामने नहीं रखा जाएगा और इस तरह के जो व्यवहार
जो कर रहे हैं मंत्री उनको यहां पर कैबिनेट में रहने का अधिकार भी नहीं है, इसलिए तुरंत प्रभाव से उनको कैबिनेट से हटा भी दिया गया है। अभी जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन जिस हिसाब से पूरी पब्लिक डीलिंग की बात अरविंद केजरीवाल उनके तमाम लोग कहते आए हैं कि ईमानदार छवि और अच्छी छवि, लेकिन वो तमाम जो आए धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं और सबके सामने आ भी रहे हैं। दीपक जी, तो आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तुरंत कदम उठाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल कितने तुरंत कदम उठाए इस पर हम तमाम लोगों के रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ सबसे पहले सबसे वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी, विवेक यादव जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी है। जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपकी पार्टी की सरकार को हटा के इन्होंने सरकार बनाई है, अब आप क्या कहेंगे? इनका तीसरा मंत्री बलि चढ़ा है और इस बार की सीधी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपको कहां से पता है अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई नहीं की अपने मंत्री के ऊपर? मतलब मैंने कौन सा आरोप लगाया मुझे ये बताइए। चुप हो जाओ सर। मैंने क्या आरोप लगाया विवेक यादव जी? दीपक जी, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बचाने का प्रयास किया? अरे आपने तो कट नहीं दिया, आपने सूचना नहीं दी थी। आपकी सीडी और आपके पत्र के आधार पर नहीं हटाया अरविंद केजरीवाल ने, अपनी जानकारी के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने हटाया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने अपना पक्ष रखा। जेपी अग्रवाल, दीपक जी, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कहा था कि हम छाट के लाए हैं, तो ये सारे छठे हुए लोग लाए हैं और उनकी कलई खुल रही है बार बार। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, एक विद्रोह से बने थे। भानुमती का कुंडा इन्होंने जोड़ा, जो जहां मिल गया उसको टिकट दे दिया। कोई कार्रवाई ऐसी नहीं थी कि इनको ये मालूम होता इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है। इन्हें तो कार्रवाई पूरी करके खाना पूर्ति करनी थी और उसका नतीजा यही निकलने वाला था जो आज होने वाला है। ये क्या कहीं से डिग्री लेके आए हैं? ये क्या कहीं से ये सोच के आए हैं कि इन्होंने कहीं से किसी डिग्री लेकर ये हासिल करा कि ये सबसे बढ़िया आदमी है? इनको यही नहीं मालूम ये आदमी है कौन, इनके बैकग्राउंड के, इनके माँ बाप के बारे में, इनकी समाज में क्या काम करते हैं उसके बारे में इन्हें नहीं मालूम। तो होना तो यही था जो होने वाला है कि इनके एक भी आदमी बराबर, देखो कितने तो मंत्री इनके पकड़े गए, कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, किनके विधायक पकड़े जा रहे हैं। कौन सा ऐसा आरोप है जो इनके ऊपर नहीं लगा? पैसे लोने का आरोप इन पे लग रहा है साहब, पकड़े नहीं गए, हमारी पार्टी ने उनको निकाल दिया, आरोप इन पे लग रहा है। अब ये नया आरोप लग गया, चोर के चोरी करते हुए पकड़े जाता है तो नहीं बोलते कि वो पकड़ा गया इसलिए गिरफ्तारी हुई है उसकी। छापा पड़ा इनके ऊपर। मुझे विवेक यादव जी एक बात बताइए, एक बात बताइए विवेक यादव जी, एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप में महिला और बाल विकास और महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री को हटाया गया है, इससे बड़ी पॉलिटिकल इमोरलिटी क्या होगी? मैं आपसे ये कह रहा हूं दीपक जी, इसको आप उस तरह से भी सोचने का, आप उस तरह से भी सोचने का काम करिए। किस तरह से सोच रहा हूँ विवेक यादव जी, मुझे प्लीज बताइए मैं किस तरह से अस्पताल करके दिया था विवेक यादव जी, बताइए मैं आपको किस तरह से सोच। मैं आपको दीपक जी बात कंप्लीट होने दीजिए, दीपक जी बात कंप्लीट, आरोप लग गए, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ मुकदमा हो उसके बारे में, उसके आसपास उसके मोहल्ले में सारी तरह से जा रहता है कोई व्यक्ति, उसके बारे में उसका बैकग्राउंड चेक कराया, पता कराया, आदमी ठीक है। लेकिन कल अगर कोई आदमी बदल जाता है, आम आदमी पार्टी ने नया क्या किया? आम आदमी पार्टी ने नया ये किया कि अगर खुद से भी जानकारी मिल गई कि हमारा आदमी गलत है तो उसे पर्दा डालने का काम नहीं किया। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने 2 मिनट नहीं लगाए मंत्रिमंडल से बाहर करने में, बिल्कुल देर नहीं की है पार्टी से बाहर निकालने में कुछ लोगों को। अगर किसी के मन में पद का लालच आ जाए, पैसे का लालच आ जाए, या वो चारित्रिक रूप से गिर जाएगा, आम आदमी पार्टी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कार्रवाई करते हैं और किसी के कहने पे नहीं करते हैं, अपनी नैतिकता के आधार पे कार्रवाई करते हैं। आम आदमी पार्टी दोनों मंत्रियों के मामले में सारे के सारे भ्रष्ट है, सारे के सारे बेईमान है। अभी दो मंत्रियों की कार्रवाई हुई है, बीजेपी ने नहीं कराई, कांग्रेस ने नहीं कराई। आपने आखिरी मोमेंट तक जितेंद्र तोमर को बचाया, धरना दिलवाया, चलिए मैं गए तो आप उनको निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं हम खुद होके कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं धरना दिलवाया, गलत मत बोलिए, कहाँ धरना दिलवाया? अरे आप दीपक जी, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जितेंद्र तोमर के मामले में हुआ क्या? फुटेज सामने तो आए विवेक यादव जी, फुटेज निकलवा के दिखाऊं धरने की? मैं आपसे ये कह रहा हूँ तो मामले में हुआ क्या ये तो कम से कम पता करके बता दीजिए। आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आपको पता, आपको मिल जाएगी जानकारी। जितेंद्र तोमर के मामले में अभी तक हुआ क्या? भावना गौर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, उनकी डिग्रियां फर्जी हैं, निर्दोष साबित हुई, आपने कभी दिखाया? दीपक जी, आपने हमारे अखिलेश पत्र पार्टी के ऊपर फर्जी मुकदमे कराए बीजेपी के लोगों ने और वो निर्दोष साबित हुए, आपने कभी इसको मुद्दा बना, आपने कभी जनता के सामने रखा इसको? हमारे कमांडो सुरेंद्र सिंह को बदनाम करने का प्रयास किया गया, उनको उनके ऊपर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया, पूरा मामला समझ लेते हैं।
रवि, इंडिया न्यूज के पास ये पत्र आया था, जैसा बाकी जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया कि इंडिया न्यूज ने संदीप कुमार से संपर्क भी साधा है और इंडिया न्यूज के पास ये पत्र भी आया था। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये आपत्तिजनक फोटोग्राफ, क्या है ये वीडियो? दीपक, आज शाम को ओम प्रकाश नाम के एक शख्स के नाम से फ्रॉम ओम प्रकाश से हमको एक लेटर मिलता है, उसके साथ में एक पेन ड्राइव होता है जिसके अंदर एक वीडियो, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं जो कि कथित तौर पर संदीप कुमार जी के बताए जाते हैं जो कि आपके मंत्री हैं। इसके बाद में हम उनको दरियाफ्त करते हैं, घंटों तस्वीरों को देखते हैं, हमारी जो सीनियर एडिटोरियल टीम वहां पर रहती है, हम लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और पूरी तरह से मैच करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई जो तस्वीरों में आदमी दिख रहा है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, जो वीडियो बेहद शर्मनाक वीडियो है, हम लगातार उसको घंटों एक तरह से दरियाफ्त करते हैं उसकी क्या ये वाकई है। और बहुत सारी ऐसी समानताएं जब उनमें दिखाई देती है कि बियॉन्ड डाउट हो जाता है मामला, उसके बाद हम ये तय करते हैं कि ये आदमी वही है और फिर हम लीगल ओपिनियन ले रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे हैरानी करने वाली बात है दीपक जी इसके अंदर, वो ये है कि तस्वीरों में जो आदमी है, वीडियो में जो आदमी है, वो आदमी हूबहू यही शख्स दिखाई देता है जो कि मंत्री है आपका। इसके बाद हम लोग आम आदमी पार्टी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम संदीप कुमार के पीए से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, संदीप कुमार से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, किसी से संपर्क नहीं हो पाता, कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं होता है। संदीप कुमार के पीए का फोन लगता भी है तो वो कहते हैं कि संदीप कुमार गांव गए हैं, वो यहां पर मौजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बात करने की कोशिश की जाती है, वो इस मुद्दे पर कुछ कहने से बचने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है, क्योंकि इस मुद्दे से वो भाग क्यों रहे हैं। और उसके बाद एकाएक जो इस तरह की खबर आई कि उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, दीपक जी इसी को कहते हैं। चोर की दाढ़ी में वाकई तिनका है, वरना ऐसी तुरंत फुरत कार्रवाई नहीं करते। महिला और बाल विकास मंत्री है। आयरनी ये है कि एक महिला के यौन उत्पीड़न और एक नहीं कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के आरोप संदीप कुमार पे लगे हैं। ये अपने आप में आयरनी नहीं है? जो ईमानदारी और नैतिकता की बात आम आदमी पार्टी करती है, मोरलिटी की बात करती है, उचित बड़े आदर्शों की बात करती है, उसके मुंह पर एक पॉलिटिकल तमाचा नहीं है? जी बिल्कुल पॉलिटिकल तमाचा है, लेकिन जहां तक बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनका स्टैंड बहुत पुराना रहा है कि जब भी कोई उनसे सवाल पूछे वो खामोश हो जाते हैं। चाहे तो कोई कुमार विश्वास से सवाल पूछे कि कोई महिला आकर कहती है मेरा घर बर्बाद हो रहा है और कुमार विश्वास इस पर सफाई दे, मेरा घर टूटने से बचाएं, उस समय में वो अचानक विदेश चले जाते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, साथ ही साथ पार्टी के बाकी पदाधिकारी भी चुप्पी साध लेते हैं। ये पुरानी परंपरा रही। वैसे हम सीडी की अगर बात करें और फोटोग्राफ्स की अगर बात करें, बेहद आपत्तिजनक है, दिखाना मुश्किल है उनको टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर। जी वाकई हम काफी घंटों से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम दिखाएं तो दिखाएं क्या, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जिसे दिखा पाना संभव हो। हालांकि हमने उसमें से कुछ क्लिपिंग्स और कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हैं जिनको शायद हम दिखा पाए, हालांकि उसके लिए भी हम लोग लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और उसके बाद ये तय हो पाएगा दीपक जी, जैसा कि आपको भी पता है। लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं कि दर्शक देखेंगे खुद शर्मसार महसूस करने लगेंगे कि क्या ऐसे ही शख्स को उन्होंने वोट दिए थे, कैसी पार्टी पर उन्होंने इस तरह का भरोसा किया था। वाकई शर्मनाक तस्वीरें हैं, सच बहुत ही घिनौना है। सच वाकई घिनौना है। विवेक यादव जी, अब मुझे लगता है कि आपको पूरे मामले का पता लग गया है कि वाकई संदीप कुमार जी ने कितना महिला और बाल विकास किया है। अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं ये। बिल्कुल मुझे भी बहुत अफसोस है और मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि इसके लिए हम लोग बिल्कुल वचनबद्ध हैं। मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर अगर इस तरह के लोग कहीं पकड़े जाते हैं तो किसी की शिकायत करने का, पकड़े जाएंगे तो क्या कर लेंगे? अरे जब पकड़ लिए जाएंगे तो क्या कर लेंगे सर? नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से की जाएगी। अरे जब पकड़ लिए जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप? क्या बोल रहे हैं दीपक जी, मैं सुन नहीं पा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब पकड़ ही जाएंगे, जब चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाएगा तो उसको कहां बचा लेंगे? बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि कम से कम एक 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 जगह तो हम लोगों ने कम तो चलिए क्यों बचा लेंगे? आप कह रहे हो कि आपके पास जानकारी थी, अरे आप एक ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं, आम आदमी पार्टी का आदमी इस मामले में लिप्त, पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही। अब पार्टी ने जब कार्रवाई कर दी, आप कह रहे हो कि मेरे पास जानकारी थी और इसलिए कार्रवाई कर दी। ये भ्रम है दीपक जी। और पिछले जो मंत्री को हटाया गया था जो रिश्वत के केस में जिनकी जानकारी मिली थी, चलिए वो भी केवल जानकारी के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने हटाया था, किसी शिकायत पर नहीं हटाया था। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात ये बोलेंगे कि मैं आपको झटकाने वाला कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको केजरीवाल को जब अरविंद केजरीवाल किसी तरह समझौता करने वाले, यादव जी मैं आपको जज करने वाला कोई नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल जज नहीं कर सकता, जनता आपको जज करेगी, मुझे नहीं जज करना। और मैं तो पत्रकार के तौर पर सिर्फ सवाल पूछ सकता हूँ या मेरी जितनी अकल और समझ है उसके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल जनता जज करती है।
देखिए अरविंद केजरीवाल का एक बार ट्वीट बताइए, हम पूरा पढ़ के सुना देते हैं। मंत्री संदीप कुमार की आपत्तिजनक सीडी मिली है, आम आदमी पार्टी सार्वजनिक जीवन में अच्छी छवि की पक्षधर है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। मंत्री संदीप कुमार की आपत्तिजनक सीडी मिली है, आम आदमी पार्टी सार्वजनिक जीवन में अच्छी छवि की पक्षधर है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। और आगे क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी वो भी बता देता हूं आपको, आगे उन्होंने क्या कहा, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है। संदीप कुमार को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। और इंडिया न्यूज को सीडी बोलने भेजने वाले ओम प्रकाश हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, ओम प्रकाश को हमने ढूंढ लिया है। ओम प्रकाश जी बताइए, ये सीडी आपने कई जगहों पर भेजी, आपका मकसद क्या था और आपको ये सीडी कहां से मिली? मुझे तो कोई ऐसे चलते हुए कोई पकड़ा के चला गया मुझे जी, मुझे तो किसी अनजान व्यक्ति ने चलते हुए पकड़ा दिया, बोला जी ये लो आप। अच्छा, फिर आपको क्यों लगा कि इस सीडी को आपको बाकी लोगों को भेजना चाहिए, दिखाना चाहिए? और क्या आप जानते हैं कि उस सीडी के अंदर क्या है? हाँ, एक आपत्तिजनक वीडियो है, वो गलत है। और आपने एक लेटर भी लिखा है जिसमें लिखा है कि उन पर कानूनी और हर मुमकिन कार्रवाई की जाए, आप अभी भी उस पर कायम है, क्या आप किसी तरह की कोई शिकायत करेंगे? कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, गलत को गलत है, गलत को सजा मिलनी चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई के लिए पहल करेंगे, क्योंकि सीडी के सोर्स आप हैं? देखो देखो हमारी हम क्या पहल करेंगे, हमने जो करना था, हमें जो देना था दे दिया, आगे ये सरकार का काम है, लॉयर का काम है, उसको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेता विवेक यादव जी बैठे हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, अरविंद केजरीवाल। क्या आपने सीडी सरकार को, दिल्ली पुलिस को, जैसे न्यूज चैनलों को भेजी, वैसे उनको भी भेजी थी? नहीं, मैंने तो कहीं नहीं भेजी, कोई वहां तो सिर्फ एक जगह दिया था, वो अपने क्या कर रहे हैं मुझे पता भी नहीं, तो काफी दिन पहले की दी हुई है। काफी पहले की दी हुई है, कितने टाइम पहले की? काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। चलिए ठीक है, ओम प्रकाश जी ने हमको बताया कि सीडी का कंटेंट क्या है, और उन्होंने ये भी बताया कि काफी आपत्तिजनक है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो विवेक यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नैतिकता का तकाजा यह कहता है कि अगर वाकई सार्वजनिक जीवन में आप उच्च आदर्शों को मानते हैं तो आपको, विवेक यादव जी आप सुन रहे हैं मेरी बात, अगर आप सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शों को मानते हैं, अगर आप सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शों को मानते हैं तो आपको इन फोटोग्राफ्स और सीडी के बाद मंत्री पर कानूनी कार्रवाई तो बनती है, जिन्होंने एक संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। महिला उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न का मामला भी बनता है, जिसके लिए आप निर्भया कांड के बाद सड़कों में थे और बड़ा राजनीतिक फायदा उठाया आपने उसका। आवाज नहीं आ रही, कनेक्ट हो गया। जयप्रकाश अग्रवाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें सीधा कदम है, पुलिस केस होना चाहिए, पार्टी से सस्पेंड करें और रेजोल्यूशन पास करें हाउस में कि इसकी सदस्यता बर्खास्त की जाती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हम कोई चीजा दिखाने के लायक नहीं करेंगे तो लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे, वैसे इन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। ये ऐसा कुंबा जुड़ा है जो दिल्ली वालों का नाक कटवा के जाएगा और कुछ नहीं करेगा। मतलब आप तीन मांग कर रहे हैं, पहली बात बर्खास्त कर दिया ठीक है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इनको पुलिस को सौंपा जाए, और साथ ही साथ इनको पार्टी से हटाया जाए और विधानसभा से इनकी सदस्यता खारिज, यही तीन मांगे आपकी? खारिज, यस यस। आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए, विवेक यादव जी फिर जुड़ पाए हमसे, शायद आपको सुन पाए आपकी तीनों मांगों को लेकर। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो उसकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, असेंबली उसे पास करे, पार्टी उसे सस्पेंड करे, पुलिस केस होना चाहिए, और क्योंकि मॉरल ग्राउंड है इससे गिरा हुआ काम नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि उसकी कैबिनेट का आदमी ऐसा गिरा हुआ स्तर का काम कर रहा है, इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। विवेक यादव जी बताइए, आपके महिला और बाल विकास मंत्री, महिला विकास मंत्री, महिला कल्याण मंत्री एक महिला के यौन उत्पीड़न में रंगे हाथ पकड़े गए, अब आप मुझे बताइए कि क्या आपकी सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि उन्होंने एक संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है? किससे पूछ रहे हैं दीपक जी? आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं जी।
सवाल एक बार दोहराएंगे क्या? मैं स्पीच में था नहीं। कोई दिक्कत नहीं विवेक यादव जी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी के महिला और बाल विकास मंत्री, यानी महिलाओं के विकास की जिनको जिम्मेदारी है दिल्ली के महिलाओं की विकास की, वो एक महिला का उत्पीड़न करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं, क्या सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, उनको पुलिस में देगी, मेमोरी खत्म करेगी? नहीं, निहाल चंद जी की तरह मंत्रिमंडल में तो नहीं रखेगी, उस पर कार्रवाई भी करेगी। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ये वाकई में ऐसा हुआ है तो इनको इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मंत्रिमंडल से हटाया गया। सर, निहाल चंद जी की तरह मोदी कैबिनेट के मंत्री नहीं बनाया जाएगा किसी को। आम आदमी पार्टी के भगवान कार्रवाई करते हैं। आप देखिए कितने इस तरह के, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद अरविंद केजरीवाल के लिए बैठे यादव जी, इसमें कोई ईस्ट एंड बट नहीं है। आपत्तिजनक सीडी मिल चुकी है, ये खुद अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, आपको बता रहा हूँ, मंत्रिमंडल से हटाया गया है, जबकि आप देखिए केंद्र की सरकार में तो तमाम मंत्री इस तरह के अभी मंत्रिमंडल में जिनको पुलिस खोजती घूम रही है, हमारी पार्टी ने उनको हटाया है। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी पार्टी का कोई कितना भी बड़ा नेता हो, टेलीविजन पर बोलिए ना, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब क्या बचा हुआ है? और फिर उसके बाद महिला सुरक्षा आपका सबसे बड़ा मुद्दा था। कमांडो तो बस में तैनात हुए नहीं, होमगार्ड भी काफी कुछ 10-20 बसों में ही चलते हैं। दीपक जी, उनके खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ भी अगर इस उनके खिलाफ बात करिए ना, अभी किसी के खिलाफ मामला नहीं है विवेक यादव जी, पक्षधर है। अभी किसी के खिलाफ मामला नहीं है, आपके एक्स मंत्री या मंत्री जो हटे नहीं है अभी तक, उनके खिलाफ मामला है जिनको आप हटाने वाले हैं, और किसी के खिलाफ नहीं है यह मामला, अभी उनके खिलाफ है, सबूत है कि मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। अरविंद जी ने ट्वीट कर दिया है उनको हटाने के लिए। नहीं नहीं, तो मुझे बताइए ना, अब तो कानूनी कार्रवाई बनती है, नेक्स्ट स्टेप तो कानूनी कार्रवाई है ना। अगर आप दिल्ली के करोड़ों लोगों की भावनाओं से खेलेंगे, आप महिला सुरक्षा को मुद्दा बना के महिला के जॉब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर तो आपकी पार्टी को तो अगर इस तरह का घिनौना करते कोई करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी इसके पक्षधर है। तो आप बोलिए ना, आप तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पे है ना कि उनके कैबिनेट मंत्री के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई के लिए लिखे, दिल्ली पुलिस को लिखे। दीपक जी बिल्कुल ऐसा होगा, मतलब जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो होगी। आप इस पे थोड़ा धैर्य रखिए। आप जब देखिए कि उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, बड़ी बात ये छोटी बात नहीं है, और इसके बाद भी जो कार्रवाई हो सकती है आम आदमी पार्टी करेगी, महिलाओं के सम्मान के लिए हम कर संकल्पित हैं। और आप दूसरी तरफ देखिए, तमाम सारी सरकारों के मंत्री ऐसे जिनके खिलाफ इस तरह के आरोप है मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, उनकी सरकारें इनको डिफेंड करती हैं, कम से कम आम आदमी पार्टी डिफेंड तो नहीं कर रही। अभी एक स्टेप लिया है, दूसरा स्टेप भी लेंगे, और जहां तक जरूरत पड़ेगी आम आदमी पार्टी वहां तक जाएगी। कहां तक जाएगी ये तो बताइए ना भैया, ये तो नेताओं वाली बात हो गई। आम आदमी पार्टी तो नेताओं वाली बात बोलती नहीं है, कहां तक जाएगी? पहला लॉजिकल स्टेप तो ये है कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने सबसे बड़ा धक्का तो अपने पोर्टफोलियो को पहुंचाया है, महिला मंत्री है, महिला विकास मंत्री है वो, और महिलाओं के यौन उत्पीड़न में पकड़े गए। तो मैं कह तो रहा हूं दीपक जी, मैं कहां डिफेंड कर रहा हूं, कहां आम आदमी पार्टी डिफेंड कर रही है? आम आदमी पार्टी कार्रवाई कर रही है, पहला स्टेप लिया है, और उसके बाद फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको क्यों चाहते हैं कि अभी किसी व्यक्ति को तुरंत इस पे, अभी पूरी पार्टी बैठेगी, पार्टी फैसला, और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनके मंत्री के खिलाफ अगर सबूत मिले हैं और उनको हटाया गया है तो आगे वाली कार्रवाइयां भी सारी की सारी होंगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति का वो व्यक्ति है जो अपने सगे संबंधियों पे भी अगर किसी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इस तरह के अनैतिक आरोप लगते हैं, तो खुद खड़े होकर के कार्रवाई करने की दम रखता है, वो केवल अरविंद केजरीवाल है। बाकी पार्टियों में तो देख लिया पूरे देश में किस तरह से लोगों को बचाया जाता है, डिफेंड किया जाता है, उनको हटा दिए जाते हैं। यहाँ जिस हद तक जाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी जाएगी। आपने कहावत सुनी, अपने मुंह खुद मियां मिट्ठू बनना, ये वही है जी। आपको तो आज सबसे अच्छा, आप एक बात चाहिए, तो हम लोग बहुत बुरे हैं, हम लोग बहुत खराब हैं, हम लोग सारे अनैतिक हैं, लेकिन नैतिक लोग जो आप उनपे भी तो कम से कम बात करिए, जिनको राजस्थान की पुलिस खोज रही है और वो मंत्री बने बैठे हैं, आप उनकी बात नहीं करते हैं? हम अगर अपने लोगों पे कार्रवाई करते हैं, आम आदमी पार्टी अपने लोगों पे खुद कार्रवाई करती है, तो आप उसको
हाँ तो आप इसमें कम से कम एक बात तारीफ तो करनी चाहिए दीपक जी, आप तो इतने अच्छे आदमी हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप तो कम से कम निष्पक्ष होकर तो बात करिए, देश की जनता को बताइए तो अरविंद केजरीवाल पहला व्यक्ति है जो अपने ही मंत्रियों पर कार्रवाई कर रहा है। हाँ ये हो सकता है कल कोई बदल जाए, कोई किसी की नियत में फर्क हो जाए, लेकिन बक्से का नहीं, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का नया सितारा है वो। आज मुझे बताइए क्या आम अरविंद केजरीवाल तो बहुत जल्दी माफी मांग लेते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी आज देश की महिलाओं से माफी मांगेगी? नहीं बिल्कुल, ये जो अगर इस तरह की सीडी है और सीडी सामने आई है, आप बराबर उनके अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट को भी दिखा रहे हैं, उन्होंने इसको बड़ा दुखद और खेदजनक बताया है। निश्चित रूप से ये बड़ी शर्मनाक घटना है, इसकी निंदा की जा रही है और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये वाकई में बहुत दुखद और बहुत खराब चीज है, ये नहीं होना चाहिए। और आपको इस बात से आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि आपने गलत कैंडिडेट चुन के दिया उनको, आपका जो कैंडिडेटों का चयन था वो बहुत गलत था, आपने सब जवाब दिखाए। जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी झूठे वादे करती है वैसे ही आपने भी झूठे वादे किए उनको। दीपक जी आपकी जिंदगी में भी तमाम आपके मिलने वाले ऐसे लोग रहे होंगे जिनके आदर्श और जिनकी नैतिकता पे आपने भरोसा किया होगा, लेकिन अगर वो बदल गए होंगे तो आप ठेकेदारी नहीं कर सकते, मैं ठेकेदारी नहीं कर सकता, कोई ठेकेदारी किसी की नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि जिस समय टिकट दिए गए थे उस समय सारा कुछ चेक कराया गया था, और यही इस आम आदमी पार्टी की एक खूबसूरती है कि कभी भी कोई आदमी अगर बदल जाएगा उसकी नीत में और नियत में खोट आ जाएगा, आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर अरविंद केजरीवाल कार्रवाई करेंगे। और अरविंद केजरीवाल के अंदर वो मादा है कि वो आप इस तरह की सारी चीजें चलती रहे, सारे समाचार सारी खबरें चलती रहे, उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन राजनीति में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी अपने लोगों पर कार्रवाई करे, इसको आप जैसे चाहे वैसे खबर बना लें, जैसे चाहे लोगों के सामने परोस दें, लेकिन हम फिर कहते हैं कि इससे आम आदमी पार्टी इससे भी घबराएगी नहीं। हमारे लोग अगर गलत होंगे, कहीं गलती करेंगे, वो कहीं बदलेंगे, उनका मिजाज कहीं बदलेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उनको निकाल के बाहर किया जाएगा, उसकी सजा अपना हो या पराया, हम लोग हमेशा सबके लिए खड़े हुए और सबके खिलाफ बात करते हैं, तो अपने लोगों पर भी तो कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे तो उम्मीद ये थी दीपक जी, कम से कम आज के दिन आप ये कहेंगे कि देखिए एक आदमी मुख्यमंत्री है जो तुरंत उसने कार्रवाई की अपने मंत्री के ऊपर, और पहला मुख्यमंत्री है ये हिंदुस्तान का राजनीति में पहला व्यक्ति है जो किसी को बख्शता नहीं है, पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई करता है। विवेक जी, विवेक जी, जो तस्वीरें हैं वो बेहद अश्लील हैं, बहुत गंदी हैं, बहुत खराब हैं, लेकिन फिर भी एक इमेज हम आपको दिखा रहे हैं ताकि जनता ये देख सके कि जिस मंत्री को उन्होंने चुना था, जिस विधायक को उन्होंने चुना था, उनकी करतूत क्या है। कम से कम जनता को जानने का हक है, इसीलिए उसूलन हम बाकी तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। एक उनमें से शायद एक ऐसी तस्वीर है जिसको कुछ हम परिवर्तित करके दिखा दें, उसको हमने दिखाने की आपको कोशिश की है, लेकिन आप देख सकते हैं हम आप थोड़ी देर में अपने सहयोगी रवि शर्मा के पास भी चलेंगे। रवि 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 इन तस्वीरों के बारे में बताएंगे। रवि, क्यों हम जो तस्वीरें हैं उनको खुलकर नहीं दिखा पा रहे हैं, इसका जरा कारण बताइए, क्योंकि आपने वो पूरी वीडियो सीडी और आपने वो तमाम स्टिल तस्वीरें देखी हैं। सिर्फ एक कारण है दीपक जी, नैतिकता। भले ही आप नैतिकता का दावा करती हो, लेकिन हम नैतिकता का पालन करते हैं। तस्वीरें इतनी गंदी हैं, अश्लील हैं, नहीं दिखाया जा सकता उनको। हम कोशिश कर रहे हैं हालांकि उन तस्वीरों को किसी हद तक हम दिखा पाएं, क्योंकि सच लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है, तस्वीरों को बारीकी से देखने के बाद, कि इसमें कम से कम दो अलग अलग महिलाएं हैं जिनका शोषण हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पद का दुरुपयोग या अपनी ताकत का दबाव डालकर ये शोषण हो रहा था, या फिर बात कुछ और है। ये तब तक नहीं सामने आ सकती बात जब तक कि दिल्ली सरकार खुद इसकी जांच ना कराए पुलिस के माध्यम से, और उन महिलाओं को सामने लाकर उनसे इस बात की पुलिस तस्दीक करे कि ये किस तरह से ये शोषण उनका किया गया था। तो हो सकता है ये मामला इससे भी ज्यादा घिनौना निकले जितना कि फिलहाल दिखाई दे रहा है। दीपक जी, मामले की जांच बेहद जरूरी है, और दिल्ली पुलिस को अगर सरकार चिट्ठी लिखती है, उनको आदेश करती है कि वो इसकी जांच कर मामले की तहकीकात करें और मामले का सच सामने लाएं, तो शायद इसका सच और भी ज्यादा घिनौना सामने आएगा।
बिल्कुल घिनौना सच सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मांग भी कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि आपत्तिजनक सीडी मिलने के बाद संदीप कुमार के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनको तुरंत आम आदमी पार्टी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरे सदन को प्रस्ताव पास करके उनको एमएलए पद से भी हटाना चाहिए। साथ ही साथ नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की है। विवेक यादव जी, सच आना जरूरी है। आपने कहा कि आपने भी ये क्लेम कर दिया कि इंडिया न्यूज के पास फोटो है, वीडियो है, हमने कितना संयम किया है, और आपने खुद ने कहा ना कि हमने पहले कार्रवाई करती, हकीकत ये नहीं है, क्योंकि वो दिखाने लायक ही नहीं है, उनमें से कई तस्वीरें ऐसी हैं। आप क्या कहेंगे विवेक यादव जी? दीपक जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को तो नहीं पता था, आम आदमी पार्टी के लोगों को तो नहीं पता था कि आपके पास ये फुटेज है, आपके पास ये है, कल आप दिखा देंगे, आप बदनाम, ऐसा तो नहीं था। ये जैसे ही उनको सूचना मिली। दूसरा, ये तंदूर कांड वाले लोग बात करेंगे, ये कांग्रेस के लोग अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बात करेंगे, ये नैतिकता की बात करेंगे, जो तंदूर कांड पूरे देश ने देखा, उसके उनके नेताओं ने, और आज भी उस पार्टी के अंदर है, वो बात करेंगे नैतिकता। अरे सर, इन्हीं लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की नैतिकता है, और अरविंद केजरीवाल ने इनके खिलाफ सरसर्सिटी लेकर आए थे, आपने भी वही करना शुरू कर दिया। इन्हीं लोगों के खिलाफ आंदोलन करके तो आप सरसर सीटें लेकर आए थे, इसीलिए दीपक जी, दीपक भाई, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। अरे अरविंद केजरीवाल जैसी नैतिकता पैदा तो करे कांग्रेस पहले। अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों पे कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाई है, ये पार्टियां हिम्मत जुटाती हैं, इनको सरकारें जाने आने का खतरा होता है, इनको अपनी इमेज बचाने का खतरा होता है, अरविंद केजरीवाल कोई भी खतरा उठाने को तैयार है, लेकिन नैतिकता, भ्रष्टाचार और किसी व्यक्ति के गलत आचरण पे कभी पर्दा नहीं डालेगा। पूरे देश को भरोसा अगर अरविंद केजरीवाल, आपकी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर है प्रशांत भूषण, जिनको आपने निकाल दिया बड़े बेआबरू करके, कूचे से निकाला, उन्होंने क्या टिप्पणी की है, मेरे सहयोगी रवि शर्मा पढ़ के सुनाएंगे आपको। रवि जरा बताइए, आप जरा वो ट्वीट ले लीजिए प्रशांत भूषण का, वो बताइए, तब तक मैं सुभाष आर्य के पास जाता हूं, अगर सुभाष आर्य जी हमारे साथ अवेलेबल है तो। तंवर जी हमारे साथ अवेलेबल है, तंवर जी बीजेपी की तरफ से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि संदीप कुमार को जो डिपार्टमेंट है, जिस तरह से इनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी कल्याण विभाग की महिलाओं की, ये इस तरह का कल्याण कर रहे हैं, इनका करेक्टर ये दुनिया देख रही है, जनता देख रही है कि इस तरह के लोग हैं। 12 लोग इनके पहले विधायक जो है वो जेल जा चुके हैं, अब ये सामने आपने जो सीडी दिखाई है, मैं आप अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आपने जो ये सीडी दिखाकर जनता को सच बताया कि किस तरह के लोगों को चुना और किस तरह से केजरीवाल के विधायक हैं और किस तरह के मिनिस्टर हैं, इनका करेक्टर जो है वो जनता के सामने आपने ये सीडी दिखाकर दिखा दिया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैंने शुरू में सब कहे थे कि ये पार्टी के लोग गुंडे हैं और इन्होंने पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया है, सिर्फ इनको एक ही फोबिया रहता है, एलजी मोदी मोदी, इस तरह की ये बकवास करते हैं और इनसे कुछ आता जाता कुछ नहीं है। और अभी भी आम आदमी पार्टी के जो आपके पास बैठे हैं जो वक्ता, वो ये नहीं कह रहे कि हम पुलिस में इनको सौंपेंगे और इनको गिरफ्तार कराएंगे, और जिससे कि दूसरे को भी नसीहत मिल सके, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं जैसे कि इनको तुरंत नरेंद्र मोदी जी को भी दे दीजिए, और मंडल में लोग थोड़ी राजस्थान झूठी घूम रही है तुरंत। अरे तो आपके सारे विधायक ऐसे हैं, आप सब ऐसे ही नोट, शर्म आनी चाहिए, किस तरह से महिला के साथ इस तरह से आपत्तिजनक में आपका मिनिस्टर ये एक क्रम कर रहा है। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, आरोप लगाते हैं, मोदी जी की सरकार को चाहिए कि तुरंत इसको भंग कर दे, ये इस तरह की तुम्हें शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है, इस तरह से नग्न अवस्था में आपका मिनिस्टर जो है उसके खिलाफ आपने झूठा आरोप लगाया। अरे आप शर्म करो, कुछ शर्म तो करो, ये क्या हालात है, ये सुरेंद्र कुमार आपने झूठे आरोप लगाए नग्न अवस्था में आप उसको। अरे सर सुरेंद्र कुमार पर क्या लगा, भूल जाइए ना उसको। अरे करण सिंह तंवर जी एक मिनट, मैं सिर्फ विवेक यादव जी को ये कहना चाहता हूँ कि सुरेंद्र कुमार को भूल जाइए, मैं थोड़ी सी आपको कोशिश करूंगा कि जो
कम आपत्तिजनक तस्वीरें हैं वो हम आपको संदीप कुमार की दिखा सके ताकि आपको उनको मूविंग इमेज भी देखने को मिल सके। मैं वो भी कोशिश करूंगा, लेकिन विवेक यादव जी इनकी बात मैं कह रहा हूं कि ये झूठे लोग हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शीला जी, महिला और बाल विकास मंत्री की ऐसी सीडी आना ये क्या साबित करता है? शीला जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? लगता है शीला जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। शीला जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? कुछ नई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें थोड़ी सेंसिटिव हैं। हम चाहेंगे कि डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करें। वरुण जैन के पास चलते हैं। वरुण जैन के साथ वो शख्स मौजूद है ओम प्रकाश। वरुण, सीधे आपके पास क्या कहना है ओम प्रकाश का, जिन्होंने सीडी भेजी है? जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश जी है जिन्होंने जो सीडी है वो एलजी ऑफिस तक भी पहुंचाई थी। ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको ये सीडी मिली थी और किस तरीके से आपने आपने सीडी में क्या देखा और आपने एक सीडी फिर आगे कैसे फॉरवर्ड करी? देखो, मेरे को तो किसी ने चलते हुए एक अनजान व्यक्ति ने दी है किसी को, मैंने भी किसी को और को पकड़ा दी, उन्होंने एलजी हाउस को भेज दिया। ये है कि भाई चलो भाई गलत तो गलत है, उसको पहुंचाना है, तो अब क्या है कार्रवाई? केजरीवाल को तो पहले से पता है, ये तो 15-20 दिन पहले केजरीवाल साहब के यहाँ पहुंच गई है और ये अब एलजी हाउस कल गई है, आज गई है, परसों गई है, मैंने भी किसी को दी थी वो, मैं कहा लो भैया ये है और इसको आप पहुंचाइए, ये पहुंच गई है। बेहद सेंसिटिव मामला है जिसमें जो ये आपत्तिजनक सीडी आई है, तो ये जानना चाहेंगे किसने आपको ये सीडी दी थी और आपने क्या सीडी खुद भी देखी थी? देखी तो मैंने है, लेकिन किसने दी है ये तो मेरे को भी नहीं है, कोई भी किसी को ये पता है कि हम लोग सुधमा रहते हैं, किसने मुझे पकड़ा दिया, मैंने भी ले जाके किसी को दे दिया, भाई देखना इसमें क्या है, जब उसको चला के देखा तो बड़ा आपत्तिजनक सीडी है वो, जो आप कोई भी देख नहीं सकता उसे, इस तरह की है। क्या आपने उसके बाद केजरीवाल जी से भी संपर्क, आम आदमी पार्टी के किसी नेता से संपर्क करने की कोशिश किया? लेकिन और भी काफी लोग हैं, उन्होंने केजरीवाल तक भी इसको पहुंचा दिया पहले 15-20 दिन पहले, और उन्होंने कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं, जब आज एलजी हाउस से इसकी कार्रवाई हुई है तो उन्होंने इसको हटाया है, लेकिन गलत तो है ये सारे लोग, एक के बाद एक इनका ठिकाना। तो ये केजरीवाल को ये सीडी पहले दे चुके हैं। एक मिनट वरुण, इनसे ये पूछिए कि क्या ये एलजी हाउस पहुंचाने से पहले भी ये सीडी केजरीवाल को पहुंचा चुके थे, उससे पहले ही पहुंचा चुके थे? क्या ये जो सीडी है केजरीवाल तक क्या पहले ही पहुंचा चुके थे एलजी ऑफिस तक पहुंचाने के लिए? मैंने नहीं पहुंचाई केजरीवाल से आपके केजरीवाल तक, लेकिन जिन्होंने पहुंचाई है उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम केजरीवाल तक इसको दिया है। कब दे दी थी उन्होंने केजरीवाल? 15-20 दिन पहले की बात है। हमने कहा चलो ठीक है, जो कुछ होगा वो करेंगे, भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम तो ये गरीब परिवार के लोग हैं, सुल्तानपुरी में रहते हैं, वहाँ ये आतंक मचा रखा है इसने। उनको जानकारी मिलती है कि इस तरीके से कार्रवाई की, इस तरीके से सीडी सामने आई है? देखिए, अभी आज आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है, भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, मैंने करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन उसूलों पर कायम है, आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, पहले एक मंत्री को रिश्वत लेने के आरोप में, रिश्वत लेने की बात सामने आई थी, उनको तुरंत हटा दिया गया बिना देरी किए हुए। अभी हमारे पंजाब के कन्वीनर के पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत हटा दिया गया, और इसके बाद में आज अभी कुछ देर पहले एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे आम आदमी पार्टी काम करती है और यही डिफरेंस है आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में, कि आम आदमी पार्टी के अंदर करप्शन को लेके, क्राइम को लेके या इस तरह की चीजों को लेके एकदम जीरो टॉलरेंस है। और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज एक मंत्री को हटाया, 67 MLAs हैं, जो भी कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाएगा या पार्टी के किसी पद पर बैठ के पाया जाएगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल के
तो सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा के पास। रवि, इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करेंगे। जब सीडी हमारे पास आई थी तो हम किस तरह से इसकी पड़ताल कर रहे थे, किस तरह से हम आम आदमी पार्टी से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, उनका रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे थे। रवि ने किस किस तरीके से उसकी पड़ताल की, क्या क्या सिमिलैरिटीज मिली पिक्चर्स में संदीप कुमार के और जो पिक्चर्स आए हैं उसमें और बाकी चीजों में, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा वरुण के पास। वरुण, अभी ओम प्रकाश कह रहे थे कि सुल्तानपुर जाके रहने वाले हैं, सुल्तानपुर के ही रहने वाले हैं, सुल्तानपुरी होगा मेरे ख्याल से। उनका कहना था वहां संदीप कुमार का, सुल्तानपुर माजरा, वहां पे संदीप कुमार का बड़ा आतंक था। किस तरह के आतंक की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आपने अभी अभी बताया कि जो संदीप कुमार है उनका सुल्तानपुर माजरा में आतंक था। किस तरह के आतंक की आप बात कर रहे हैं? लोग बहुत परेशान हैं इनसे। ये तो इतने करप्ट हैं कि अभी तो 20-50 लोग डर की वजह से नहीं बोलते, क्योंकि पूरी पूरी बहुमत से सत्ता में है। कई लोग कहते हैं यार क्या होगा, हम किसी कंप्लेंट करें। अभी तो 85 लोग सुल्तानपुरी में ऐसे हैं जो अभी नए नए फार्मूले लेके आएंगे, जो इनकी जो इन्होंने कारगुजारी वहां करी है वो सबके सामने आएगी। सुल्तानपुरी के ही रहने वाले हैं कि आप बताएं कि किस तरह का आतंक था, क्या गड़बड़ झाला है जो वहां पर करते हैं? एकदम क्रैप्स है, लोगों से पैसा ठगना, गुंडागर्दी, बदमाशी, एकदम गुंडे टाइप के लोग इनके साथ में रहते हैं। कोई भी राजनीति, कोई पॉलिटिक लोग थोड़े नहीं है। ये तो गलती से दिल्ली की जनता ने चुन लिया और वो सब आ जाएगा धीरे धीरे सामने, सबके सामने। तो लोग मतलब जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं वहाँ पे बेहद परेशान है इनके व्यवहार से, परेशान है उन लोगों से। इतने है कि ये तो बैठता ही नहीं ऑफिस के अंदर, ये तो महीना महीना 20-20 दिन ऑफिस ही नहीं आता है। लोग काम के लिए पुराने जो MLA जैक्सन उनके चक्कर घर पे आते हैं। लोग कहते हैं जी बहुत परेशान है, इधर उधर भागते हैं, उनसे जो भी हेल्प बनती है वो भी करते हैं, लेकिन बहुत परेशान है सुल्तानपुर के लोग। वहाँ किसी चीज की कोई सुनवाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब धीरे धीरे जो गलत है वो सब जनता के सामने आ ही जाता है, एक दिन ये आ गया है। दीपक, सबसे एक अहम बात और इन्होंने ये बताई है कि ये जो सीडी है ये केजरीवाल के पास 15-20 दिन पहले ही पहुंच गई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई थी, उसके बाद इन्होंने एक्शन लेते हुए आगे LG ऑफिस तक सीडी पहुंचाई है। शायद उसी का नतीजा है कि आज ये पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है। ये पक्ष हम एक बार और जो हमारे साथ है ओम प्रकाश जी, वरुण मैं इस पर रिएक्शन ले लूं इनका। वरुण एक मिनट, विवेक यादव जी मेरे साथ है, मैं उनका रिएक्शन लेना चाहूंगा इस पर। विवेक यादव जी, आपका क्या कहना है? ओम प्रकाश शख्स सुल्तानपुर माजरा से हैं, वो कह रहे हैं कि संदीप कुमार का वहां पर आतंक है, इन्होंने वहां पे गुंडागर्दी मचा रखी है, इन्होंने सीडी भेजी थी, इनको सीडी मिली थी। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि ये सीडी वो 20 दिन पहले उनके दोस्त ऑलरेडी केजरीवाल को भेज चुके थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर इन्होंने लीगल एक्शन के लिए सीडी आगे भेजी है। दीपक जी, पूरा मामला बहुत दुखद है, बहुत गलत है, और मैं फिर कह रहा हूं आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है और कार्रवाई की है। लेकिन अब एक नई स्टोरी चालू हो गई, वो मेरी समझ में नहीं आ रही है। ऐसे ओम प्रकाश अब पता नहीं कितने निकल के आएंगे और कितने लोग दावा करेंगे कि मेरे पास पहले थी। LG साहब के पास अगर होती, दिल्ली पुलिस जो एक घंटा नहीं लगाती है, लगता है संपर्क में कुछ दिक्कत है विवेक यादव जी से। विवेक यादव जी के पास फिर चलेंगे। अब सीधे मैं चलता हूं हमारे सहयोगी रवि शर्मा के पास। वरुण, आप हमारे साथ ओम प्रकाश जी को बनाए रखिए, ओम प्रकाश जी के साथ हम लगातार बात करते रहेंगे। रवि, जब हमने तफ्तीश करी, जब हमने जांच पड़ताल करी इस पूरी सीडी की, जब से हमारे पास आई हम 2.5 घंटे से इसकी जांच पड़ताल कर रहे थे लगभग, इस सीडी से हमने क्या क्या मिलाने की कोशिश की, क्योंकि संदीप कुमार को इन पर्सन ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, किस तरह से मैच करा हमने सीडी को? देखिए, क्योंकि एक अनजान शख्स ने हमको ये सीडी भेजी थी, और ये जो कि जनरल प्रोसीजर है हमारा खबरों का कि हमें जिम्मेदारी के साथ खबरें दिखानी होती हैं, तो हमने इसकी सत्यता को परखने की कोशिश की। ओम प्रकाश के पास हमने अपना रिपोर्टर भेजा जो इस वक्त खड़े हुए हैं, सारा देश देख पा रहा है, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, और उसके बाद हम इस सीडी की जांच में लग गए कि ये असली जो है जो मंत्री हैं उनसे कितना चेहरा मिलता है और किस कदर चेहरा मिलता है, कहीं ये फेक तो नहीं है, डॉक्टर तो नहीं है। आजकल बहुत कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा चलता है जो कि फेक होता है, कहीं ये उसी का तो जवाब नहीं है, मतलब उसी का तो ये कोई अंजाम नहीं है। तो हमने उसकी जांच पड़ताल शुरू की, और मैं तस्वीरों में चाहूंगा कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। जब हम सब सीनियर लोग बैठे थे और हम लोगों ने देखना शुरू किया, तो तस्वीरों को करीब से देखा, और तस्वीरों में हमने जो असली तस्वीरें थी मंत्री की, दिनेश कुमार की, उनको हमने मैच कराया जो सीडी में तस्वीरें थी, और उनमें कई चीजें बहुत अहम मिली, जैसे कि जो ठोड़ी पर तिल है
जो तस्वीरें हैं आपत्तिजनक उनमें भी उस शख्स की छोटी पर तिल है और जो असली तस्वीरें उनकी इंटरनेट पर मौजूद हैं उन पर भी तिल है और हमने उनके वीडियोस भी कुछ चेक किए उनपे भी तिल था। उनके हमने आईब्रोज को मिलाने की कोशिश की जो उन तस्वीरों के साथ में जो कि आपत्तिजनक सीडी में मौजूद थे और वो हूबहू मिल रहे थे। उनका चेहरा मोहरा हूबहू मिल रहा था, उनके करीब करीब जो हेयर स्टाइल था, उनका जो भारीपन था शरीर का, और इसके अलावा ऐसे होठ हुए, नाक हुई, ये तमाम चीजें जब मिल रही थी और हम लोगों ने जब बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर ये बात की कि क्या ये सही लगता है आपको, और जब सबकी राय करीब करीब 99% लोगों की राय यही थी कि ये वही शख्स होते हैं, हमने इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों तक भी ये फोटोग्राफ भेजे जो दिनेश कुमार को पर्सनली जानते हैं, उनके साथ लंबे समय से उनका एसोसिएशन रहा है, माफ कीजिएगा संदीप कुमार को, तो उन लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ ये शख्स वही है और ये 100% वही है, और इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये शख्स करीब करीब वही लगता है। एक और चैनल जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो हम आम आदमी पार्टी के लोगों से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, लगातार मंत्री के पीए से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे जो हमें टाल रहे थे, और कोई कहीं से कोई लिंक नहीं बन पा रहा था आम आदमी की तरफ से, और उसके बाद अचानक इस खबर का आ जाना वहां पर जो 99.9% तक हम कंफर्म थे, जो बचा हुआ था वहां पर कंफर्म हो गया दीपक जी। तो मतलब रवि, कार्रवाई करना साफ दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी दाल में काला नहीं, पूरी दाली काली है। ये तो स्थापित हो गया कि इस मंत्री में, ये खुद उन्होंने मान लिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि हाँ इस आपत्तिजनक सीडी के अंदर खुद संदीप कुमार है, अब कोई डाउट नहीं रह गया। मुझे लगता है उन्होंने खुद माना है अपने ट्वीट के अंदर, शायद हम उनको एक बार उनका ट्वीट एक बार फिर से मेरे वाले विंडो में दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, उनका ट्वीट बहुत साफ साफ ये बात कहता है कि कहीं ना कहीं वो उनको दोषी मान चुके हैं, दोषी माना ना होता तो बिना जांच के हटाने की इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हैरान की बात है कि मनीष सिसोदिया ने भी अभी जो बयान दिया उसमें भी उन्होंने ये तो कहा कि हमने हटा दिया, मगर वो एक सवाल को धीरे से चूक गए या उसे उस पर बात नहीं की उन्होंने कि क्या वो कानूनी कार्रवाई करेंगे मंत्री के खिलाफ, ऐसा ये कहने से वो साफ साफ बच गए। कहीं ना कहीं दाल में काला अभी भी दिखाई देता है, कहीं ना कहीं दाल में काला अभी भी दिखाई देता है, क्योंकि सीधे सीधे कानूनी कार्रवाई इस मामले पर बनती है, इस मामले पर पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई बनती है। विवेक यादव जी के पास चलूंगा। विवेक यादव जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैं एक बार फिर से आपसे रिपीट करूंगा, कि कांग्रेस ने तीन मांगे करी है। पहली बात तो ये कि जो संदीप कुमार हैं उनको, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, विधानसभा में एक रिजोल्यूशन पास करके उनकी सदस्यता को बर्खास्त किया जाए, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा दें और उनको आम आदमी पार्टी से निकाला जाए। मेरा आपको यह कहना है कि आप अब कौन कौन सी कार्रवाई करेंगे, क्या क्या कार्रवाई करेंगे, एक बार पार्टी से पूछ कर तो बता दीजिए। अब ये तो आपके इमेज का संकट हो गया है, तो बहुत बड़ा संकट हो गया, और मुझे लगता है कि सीडी देखने के बाद अरविंद केजरीवाल तो अपने मंत्री को कम से कम पहचानते होंगे। मैं और रवि तो मिला रहे थे कि सीडी में हमने क्या क्या मिलाया, अरविंद केजरीवाल तो अपने मंत्री को पहचानते ही होंगे भाई, उनके कैबिनेट में उनके साथ बैठते हैं बगल में। दीपक जी, मैं फिर कह रहा हूं पार्टी इस पे निर्णय लेगी, मैं आपको बता दूंगा जानकारी होती है, यहां से उठूंगा तब, दूसरा 9 बजे तक मुझे बैठना था, मुझे अभी जाना भी है कहीं, तो मैं आपसे एक बार फिर क्षमा चाहूंगा। लेकिन एक बात कहते हुए कि इसने पूरा प्रोपोगंडा कर ले, सारे लोग बड़े खुश हो रहे, आम आदमी पार्टी की इमेज खराब नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी ने नैतिकता के और आदर्श के वो मानक स्थापित कर दिए हैं कि शायद और राजनीति में जितने लोग हैं वो बौने पड़ गए हैं कि अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत। और मुझे तो बड़ा अद्भुत लग रहा है कि आप जैसे व्यक्ति को एप्रिसिएट करना चाहिए, लेकिन आप क्या एजेंडा चला रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप बराबर अरविंद केजरीवाल की इमेज, अरविंद केजरीवाल सुपारी ली है क्या किसी ने? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस चीज को कम से कम पत्रकारिता का एक धर्म होता है कि हम सही बात को बिल्कुल सही तरीके से रखें, निष्पक्ष तरीके से रखें, हम पार्टी न बने, लेकिन पार्टी जब बन जाते हैं तब इसी तरह की सारी चीजें आती हैं कि किसी को लाके खड़ा कर देंगे, किसी को लाके खड़ा कर देंगे। आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए दीपक जी, क्या आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई आपके दबाव में की थी, ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में की थी या एलजी के दबाव में की थी? सर, ये आम आदमी पार्टी के दबाव में कर रहे हैं, पत्रकारिता का धर्म, पत्रकारिता को बहुत दिनों से राजनीति में है, उतने सालों से मैं पत्रकारिता में हूँ और पत्रकारिता का धर्म मैं बहुत बेहतर समझता हूँ और मेरे दर्शक भी समझते हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूँ। पता है आपके चैनल के, आप मुंह मत खुलवाइए दीपक जी, मुंह मत खुलवाइए, आपके चैनल के बारे में भी सब पता है, आपके बारे में भी पता है, आप मत कहिए। वो दूसरी पत्रकारिता की जो गरिमा है कहाँ कहाँ गिरी है वो भी सारा पता है। उम्र को छोड़ दीजिए, सभी को सर्टिफिकेट बांटिए, पैदा करनी पड़ती है सभी को सर्टिफिकेट बांटिए, आदमी को अपने जीवन में नैतिकता पैदा करनी पड़ती है, सभी को सर्टिफिकेट बांटिए सर, आप अपनी थोड़ी पार्टी में नैतिकता पैदा कर लीजिए, मैं अपने जीवन में सर्टिफिकेट। आप इमेज खराब कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की इमेज दिखा रहे हैं पूरे देश के अंदर, आप दिखाते रहिए, लेकिन
लेकिन दीपक जी आपके दिखाने से अरविंद केजरीवाल की इमेज खराब नहीं होगी। मैं तो चाहता हूँ कि पहले मैं चाहूंगा, मैं तो उनका वोटर हूँ भाई, मैंने तो वोट दिया है, दिल्ली का वोटर हूँ मैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं पार्टियों के, मेरे आप कह रहे क्या कार्रवाई करेंगे भाई, अरविंद केजरीवाल तो विवेक यादव जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, ये कौन सा आदर्श है कि आप कह रहे हैं यहीं बैठ के मैं फैसला कर दूं, मैं पार्टी हूं क्या, मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। अरे आप तो हर आदमी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला कर देते थे, पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा, विवेक यादव जी आप तो हर आदमी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसला कर देते थे, ये चोर है ये साहूकार है, आपने तो भारत के होने वाले राष्ट्रपति को नहीं बख्शा था, उसको भी चोर बता दिया था, आज जब आप पर आई है तो आप मुझको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं प्रमाणों के आधार पे, और फिर मैं कह रहा हूँ प्रमाणों के आधार पे अपने लोगों पर कार्रवाई करके दिखा रहे हैं, हम यही तो कहते थे हम लोग कि पार्टियां अपने लोगों पे कार्रवाई करना सीखे, अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना सीखे, क्या बीजेपी ने किस तरह से कार्रवाई देश में मुझे बताइए, पैसा लेते लोग पकड़े गए, जिस तरह से लोग पकड़े गए, पार्टियां बचाने का काम करती है, ये पहली पार्टी है जो अपने लोगों पर कार्रवाई करती है, लोग भी आप चुन चुन के लाए हैं जो कार्रवाई करने ही लायक है, केवल दो लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है और हमारी पार्टी ने खुद कार्रवाई की है, बाकी तो प्रचार करते रहे सारे लोग, पहला मंत्री चले गए, हमारे हमारे आधे से ज्यादा विधायक झूठे आरोप लगाए गए हैं सबके ऊपर, सबको क्लीन चिट मिल चुकी है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तरफ अगर आप ये चेहरा दिखाते हैं तो आपको भावना गौड़ जो बरी हुई है कोर्ट से, झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए, हमारे विशेष रवि के ऊपर झूठे मुकदमे, वो भी तो आप कभी खबर बनाया करिए, आपकी निष्पक्षता तब समझ में आएगी जब आप उन मुद्दों को भी उठाए कि नहीं इनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए, अच्छा इनके लोग इनका अखिलेश पत्र पार्टी झूठे मुकदमे फंसाया गया, कोर्ट से फटकार पड़ी, आपकी बात बोले तो साहूकार, आपकी बात बोले तो साहूकार, आपकी बात ना बोले तो चोर, शक होता है इस पत्रकार, यही है ना विवेक यादव जी, आपकी बात बोले तो साहूकार, आपकी बात ना बोले तो चोर, लोग हैं और इनके सारे कारनामे इसी तरह के हैं, यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, किस तरह से नंगा नाच हो रहा है, दोनों पक्षों को दिखा रहा हूँ विवेक यादव जी, इसीलिए बैठे हैं आप, रत्ती भर शर्म नहीं है, मैं दोनों पक्षों को दिखा रहा हूँ और आपकी बात सुन रहा हूँ, इसीलिए आपको इतना सुन रहा हूँ मैं, आप सबको सब पाठ पढ़ा दीजिए, अपने मंत्री को तो नैतिकता का पाठ पढ़ा दीजिए, करण सिंह जी एक ब्रेक करण सिंह जी, आप मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा दीजिए, मेरे से पहले संदीप कुमार को पढ़ा देते को झूठा फंसाया गया, और कितने विधायकों को झूठा फंसाने के बाद ये बेनकाब हुए बीजेपी के और कांग्रेस के लोग, आपने कभी खबरें चलाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे तमाम विधायकों को जो फंसाया गया उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि संदीप कुमार को केजरीवाल ने झूठ मुक्त का बर्खास्त कर दिया है, झूठा फंसाया जा रहा है को, एक कार्रवाई एक यादव जी कर दी, विवेक यादव जी अच्छा कहने की बजाय आप उसमें भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विवेक यादव जी ये कौन सी पत्रकारिता है, विवेक यादव जी क्या आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने झूठ मूठ का बर्खास्त कर दिया संदीप कुमार को, आपकी बात से तो मुझे अब ये लग रहा है, जितेंद्र तोमर को भी झूठ मूठ का बर्खास्त किया जब वो जेल चले गए, आज तक बेचारा फर्जी डिग्री से निकल नहीं पाए, शब्द देते रहिए आप खूब, आपके जो दूसरे मंत्री थे जो रिश्वत ले रहे थे उनको भी बर्खास्त कर दिया, जो समझ में आ रहा है आप देश की जनता को आप मेरे मुंह से डलवा, आप मान रहे हैं कि झूठा फंसाया गया संदीप कुमार को, मैं कह रहा हूं कि ये आपके शब्द हैं कि जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठे बर्खास्त क्यों कर दिया, आप झूठे बर्खास्त किया जाता है किसी को, मंत्रिमंडल से झूठे हटाया जाता है किसी को, लेकिन सबसे बड़ी चीज एक ये है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं बार बार, कम से कम पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखिए राजनीति में जो पत्रकारिता की है, तभी इसका सम्मान है, वरना इसका सम्मान दिनों दिन घट जाएगा अगर इस तरह की पत्रकारिता होगी, आप पक्षपात करेंगे, आप अगर एक पक्ष को सामने रख करके काम करेंगे ये ठीक नहीं है बिल्कुल, शुक्रिया, मुझे कहीं जाना भी है दीपक जी, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे, मतलब जब तक सीडी नहीं आएगी आपके विधायक रंगे हाथ पकड़े जाएंगे नहीं, जितेंद्र तो मैंने विवेक यादव जी एक सवाल सुन जाइए बस, जब तक सीडी नहीं आएगी संदीप कुमार की अश्लील, तब तक वो साहूकार हैं चोर नहीं है, जब तक रंगे हाथ नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक आपके खान साहब की सीडी नहीं आएगी रिश्वत लेते हुए तब तक वो पकड़े जाएंगे, जब तक जितेंद्र तोमर को जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक वो मंत्री बने रहेंगे, ये ईमानदारी आम आदमी पार्टी की, अच्छा आपके पास अगर कोई इस तरह का आईना हो जिसमें देख के बता सकते हैं कि आदमी कल बेईमानी करेगा आप मुझे दे दो, मैं सर आईना तो आपके पास था, ऐसा कोई आपके पास ना, ये आईना तो आपके पास था, हम आदमी कल बेईमान हो जाएगा आप मुझे दे दो, विवेक यादव जी चालू कर दूंगा, विवेक यादव जी ये आईना तो अरविंद केजरीवाल के पास था, वो हर रोज बोलते थे ये चोर है, उसके बाद ये चोर है, उसके बाद ये चोर है, उसके बाद ये चोर है, ये आईना तो उनके पास था ना,
वो खुद अपना चेहरा आईने में देख ले, मुझे क्यों आईना दिखा रहे हैं आप? उन्होंने तो सर्टिफाई करके टिकट दिए थे कि ये चोर नहीं है, ये बहुत बड़ी आदमी है। ये देखिए ये क्या निकला है, देखिए क्या निकला है, दिख रहा है टीवी पे। अब आप तो सर्टिफाई करते थे ना, सर्टिफाइड बाय अरविंद केजरीवाल। जरा प्रशांत भूषण का भी ट्वीट सुनवा दीजिए, मैं दो बार बोल चुका हूँ आप लोगों को। अगर आपको अपने ही कमेंट करने हैं तो मैं जा रहा हूँ, अपने कमेंट करते रहिए। आप भी अपने कमेंट कर रहे हैं, एजेंडा चलाते रहिए। अगर आप अपने कमेंट नहीं कर रहे हैं क्या, आप अपने कमेंट नहीं कर रहे हैं क्या? आप सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब तो ले लीजिए, तो दीजिए ना, मैं सवाल तो पूछ रहा हूं। आप सवाल के जवाब तो ले लीजिए दीपक जी। अब आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे लूं? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हम लोगों ने चेक करा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं दीपक जी, आज आप ईमानदार हैं, आपके साथ के लोग ईमानदार हैं, कितने लोग आकर के बदल जाते हैं, भटक जाते हैं, उसकी गारंटी कौन ले सकता है? कल कोई बेईमानी करेगा, इसका क्या पैरामीटर आप मुझे बता दो। मैं ये कह रहा हूं, जब अरविंद केजरीवाल की जब बात आती थी, हमेशा ये होता था कि अरविंद जी हमेशा ये कहते थे कि लोग अगर कहीं पकड़े जाएं, लोगों के खिलाफ सबूत मिले, पार्टियां अपने लोगों पर कार्रवाई करें। और इस नैतिकता को सत्ता में आए, हमने पार्टी बनाई सत्ता में, हमने साबित करके दिखाया। ये तो कहते थे लोगों से, दूसरी पार्टियां नहीं करती थी। आपने जवाब दे दिया ना, खिलाफ सबूत होने के बाद 15 मंत्रियों को बेईमानी का सर्टिफिकेट बांटा और आपने अपने लोगों को ईमानदारी का बांट दिया। 15 लोगों में से तो कोई जेल गया नहीं, आपके यहाँ लाइन लगी हुई है। और आप उनके सबूत दिए थे, कोयले घोटाले में सबूत दिए थे, कितने जेल में बता दीजिए। अरे रिपोर्ट दिया थे ना, क्या बात कर रहे हैं? तो शीला दीक्षित के खिलाफ FIR भी करी थी, भावना गोल आपने तो शीला दीक्षित के खिलाफ FIR भी करी थी, नाम नहीं लिया उसका FIR में, बस नाम नहीं लिया उसका, नाम नहीं लिखा शीला दीक्षित का FIR में, कहीं भी दिखा दीजिए शीला दीक्षित का नाम है। मैं समझ रहा था शायद आप हिम्मत जुटाएंगे, लेकिन दीपक जी आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के लगता है उनका लाइव फ्रीज हो गया है, हम फिर से उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं चलता हूं हमारे सहयोगी रवि के पास, रवि हमें बताएंगे कि हाल ही में प्रशांत भूषण ने क्या ट्वीट किया। रवि देखिए, प्रशांत भूषण का कहना है कि आप पहले ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी होती हैं, आप ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, और फिर खुद उन्हें हटाकर वाहवाही भी लूटना चाहते हैं, कमाल है। ये सारांश है जो प्रशांत भूषण ने कहा है। और मेरे ख्याल में जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, उससे एक ना एक बात तो साफ हो ही जाती है कहीं ना कहीं कि दाल में काला है। दाल में कुछ काला है, मुझे तो तफसील से बताइए कि हुआ क्या था शाम से, आज हमारे न्यूज रूम में क्या हलचल थी जी। अचानक हमको ओम प्रकाश के नाम से एक व्यक्ति एक गुमनाम खत भेजता है, उस खत के साथ में हमें एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसमें हम जब खोल कर देखते हैं उसको, तो पता चलता है कि उसके अंदर कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, उसके अंदर एक वीडियो है, और उस वीडियो में जो बेहद अश्लील था, एक शख्स जो कि मंत्री जैसा दिखाई दे रहा था, और उसमें क्लेम किया गया था कि एक वरिष्ठ मंत्री है दिल्ली सरकार का उस खत में, और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ था तस्दीक करने का। इसके बाद दीपक जी हमने उन तस्वीरों को देखा, हमने उन लोगों से संपर्क किया जो लोग जानते थे संदीप कुमार को, जो कि मंत्री हैं बाल कल्याण महिला विकास मंत्रालय के। इसके अलावा हमने जब उन तस्वीरों को गौर से देखा तो पाया कि हूबहू ये शख्स जो है वो संदीप कुमार लगता है। और जब हमने इसके बाद आम आदमी पार्टी के लोगों से बात करने की कोशिश की कि हमारे पास ऐसी कुछ तस्वीरें हैं, हमारे पास ऐसा वीडियो है, क्या आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, क्या कुछ बता सकते हैं, संदीप कुमार से हमने बात करने की कोशिश की, उनके पीए से हमारी बात हुई, तो पता चला कि वो यहां पर मौजूद नहीं है, वो अपने गांव गए हुए हैं। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूरी तरह अपने कपाट बंद कर लिए, वो इस मुद्दे पर कुछ बात करना नहीं चाहते थे, जो बहुत हैरतअंगेज था। हालांकि ऐसा पहले भी होता रहा कि बहुत से मुद्दों पर आम आदमी पार्टी नहीं बोलती है, उन्हें अपनी पसंद के मुद्दे ही चाहिए होते हैं बोलने के लिए, लेकिन इस बार जिस तरह का रिएक्शन उन्होंने दिया वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला था। इसके बाद हमने संदीप कुमार को जानने वाले कुछ लोगों को वो तस्वीरें भेजी और उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि हूबहू ये शख्स वही है। इसके बाद जो हमने जो 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 चेहरा मिलान करने की कोशिश की उससे हूबहू हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये वही शख्स है। और जब शाम को यह खबर आई कि एकाएक बिना कोई कारण बताए सरकार से जब निकाल दिए गए हैं, वो कैबिनेट से निकाल दिए गए हैं संदीप कुमार, तो कहीं ना कहीं तस्दीक हो गई। और उसके बाद जनता अब देख रही है कि क्या कुछ इस पूरे खबर की जड़ में था। और दीपक जी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि क्या लोगों ने यही सोचकर वोट दिया था एक ऐसे शख्स को जो कि उनका मंत्री बनेगा, जबकि इन तस्वीरों में दो महिलाएं हैं अलग अलग, कम से कम दो महिलाएं दिखाई दे रही हैं इसके अंदर, और जिनके साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं संदीप कुमार।
बिल्कुल, मैं सिलसिलेवार ढंग से एक बार बता दूं कि शाम से हुआ क्या। शाम से इंडिया न्यूज के पास एक पत्र आया, हम तस्वीरें लगातार दिखाते रहते हैं। ये पत्र ये कहता था, मैं एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूं, और संदीप कुमार की वो तस्वीरें भी हम दिखाते रहते हैं साथ ही साथ, ये और ये पत्र भी दिखाते हैं। सेवा में महोदय, मुझे कुछ विशेष सूत्रों से एक वीडियो व कुछ फोटोग्राफ मिले हैं कि अत्यंत आपत्तिजनक मुद्रा में है, और ये सब दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार के हैं। आशा व प्रार्थना है कि उस पर उचित कानूनी व हर मुमकिन कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाएगी। संलग्न पेन ड्राइव और उस पर लिखा हुआ है भवदी ओम प्रकाश, पता B1/17 अमन विहार, P4 रोड, सुल्तानपुरी माजरा। तो ये पूरा का पूरा माजरा था। उसके बाद हमने अपने एक्सपर्ट्स के साथ इसको वेरीफाई करने की कोशिश की, इसको ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की। अनऑथिकेटेड सीडी हमने नहीं दिखाई, और साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया है इस पूरे के पूरे दौरान कि किस तरह से हमने इन पिक्चर्स का मिलान किया है, किस तरह से हमने इस पिक्चर के मिलान करने की कोशिश की अपने एक्सपर्ट टीम के साथ, अपने तमाम लोगों के साथ। और उसके बाद एकाएक जब मैं अपना शो कर रहा था तब खबर आई 8:22 के आसपास कि अरविंद केजरीवाल ने संदीप कुमार को आपत्तिजनक सीडी मिलने के बाद बर्खास्त कर दिया है। यानी खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात की तस्दीक की कि उनके मंत्री सीडी के अंदर मौजूद हैं, उनके मंत्री एक लड़की और एक महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था के अंदर दिख रहे हैं। और उसी के बाद हमने ये खबर ब्रेक की, हमने कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जो कम आपत्तिजनक थी, और बात के पोर्शंस को हमने उस सीडी का नहीं दिखाया, उसके आगे का हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। सवाल यह है कि नैतिकता की बात करने वाली, ईमानदारी की बात करने वाली, उच्च आदर्शों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी अब इस पर अपना क्या बचाव देगी। तीन मांग उनसे कांग्रेस पार्टी ने की है। पहला तो यह कि संदीप कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, दूसरी बात यह कि संदीप कुमार को आम आदमी पार्टी से बर्खास्त किया जाए, और तीसरी विधानसभा में रिजोल्यूशन पास करके उनकी सदस्यता को खत्म किया जाए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि महिला और बाल विकास मंत्री उन पर ही आरोप लगा है दो दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न का। यह अपने आप में बेहद शर्मनाक है। ऐसी तस्वीरें भारतीय राजनीति में शायद ही पहले कभी देखने को मिली हो, और वो भी ऐसी पार्टी के बारे में जो अपने आप को ईमानदारी, नैतिकता और मोरलिटी का पहाड़ मानती है, भगवान मानती है। तो अब तक की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर, दिल्ली सरकार के मंत्री संदीप कुमार को अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करना पड़ा। महिला और बाल विकास मंत्री थे और दो महिलाओं के साथ एक पिक्चर के अंदर और एक वीडियो के अंदर आपत्तिजनक स्थिति में देखे गए। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं, पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते। वीडियो इतना अश्लील है कि उसको नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखाया जा सकता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं संदीप कुमार की। हम आपको बता दें कि सिलसिलेवार ढंग से क्या हुआ था। सिलसिलेवार ढंग से ये हुआ कि शाम को लगभग शाम के वक्त इंडिया न्यूज के पास ये पेन ड्राइव आया, ये पत्र आया, जिस पत्र में एक ओम प्रकाश नाम के शख्स ने लिखा था, सेवा में महोदय, मुझे कुछ विशेष सूत्रों से एक वीडियो और कुछ फोटोग्राफ मिले हैं जो कि अत्यंत आपत्तिजनक मुद्रा में है, और ये सब दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार के हैं। आशा व प्रार्थना है कि उस पर उचित कानूनी व हर मुमकिन कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाएगी। संलग्न पेनड्राइव भवदीय ओम प्रकाश, और नीचे उनका पता लिखा है। इसके बाद इंडिया न्यूज ने अपने स्तर पर इसकी पड़ताल करनी शुरू की। सबसे पहले संदीप कुमार का वर्जन लेना चाहा, लेकिन संदीप कुमार दिल्ली से बाहर थे। इसी के बीच में हम लोग इस फोटो का मिलान करते रहे, पिक्चर्स का मिलान करते रहे, ओम प्रकाश को ढूंढने की कोशिश की, और ओम प्रकाश को सबसे पहले टेलीविजन पर हमने पेश किया कि किस तरीके से ओम प्रकाश ने इस सीडी को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को अपने दोस्तों के मार्फत भेजा, और अपने ही दोस्तों के मार्फत उनका यह कहना है कि उन्होंने बाकी अथॉरिटीज और एलजी को भी यह सीडी भेजा। और आज जब ये सीडी बाकी लोगों के पास गई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल हरकत में आए, और रात को 8:22 के आसपास उन्होंने संदीप कुमार को हटा दिया। खुद अरविंद केजरीवाल ने इस बात की तस्दीक अपने ट्वीट के अंदर की है, और उनका ट्वीट यह कहता है कि हमारे मंत्री जो है वो आपत्तिजनक सीडी में मिले हैं, और इसके चलते हम उनको हटा रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मिलान हो रही है। संदीप कुमार की आंखें मिलान हो रही है, हमने इन आंखों का भी मिलान किया था इस पिक्चर्स के थ्रू। ये देखिए, लाल कलर के शॉर्ट्स के अंदर हैं, और इससे आगे की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते। हम किसी और महिला की तस्वीर भी नहीं दिखा सकते। सीधे चलते हमारे सहयोगी वरुण के पास। वरुण के पास जय किशन है,
हैं, जयकिशन पूर्व एमएलए हैं उसी जगह के जहां के संदीप कुमार एमएलए थे। जयकिशन जी, वरुण उनका रिएक्शन लीजिए और जय किशन जी को बनाए रखिए क्योंकि हमारे पास थोड़ा छोटा चंक है, उसके बाद हम फिर आएंगे। आप बताइए वरुण जी, बात करिए आप। वरुण जय किशन जी, आप ओम प्रकाश जी को कब से जानते हैं और ये जो आप बता रहे थे कि सीढ़ी केजरीवाल तक कब पहले पहुंचा दी गई थी? नहीं, मैं मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, ना मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मुझे पुख्ता खबर है और विश्वास सूत्रों से मुझे मेरे पास पुख्ती जानकारी है, केजरीवाल महा झूठा मुख्यमंत्री है, उसके पास इस सीढ़ी को 20 दिन पहले, जो मुझे पता चला है 20 दिन पहले ये सीढ़ी वीडियोग्राफी केजरीवाल साहब को दिखाई गई है, तो मुझे जानकारी मिली है। और केजरीवाल साहब के पास इस मिनिस्टर की बहुत सारी कंप्लेंटें पहले भी गई हुई है, लेकिन केजरीवाल जो है सारी पार्टी के साथ एक तरीके से इसके सारे लोग एक जैसे हैं ये, और ये खुद भी मुझे लगता है कि इसकी भी कुछ बातें जनता को भी पसंद नहीं है, इसकी जो हरकतें हैं वो लोगों के दिमाग से इसकी जो छवि थी गिर चुकी है। आम पार्टी पूरे तरीके से भ्रष्टाचारियों की, लुटेरों की, झूठों की, बेईमान, ठग, महिला विरोधी, युवा विरोधी, दलित विरोधी, मुस्लिमों को बहकाने वाला आम पार्टी की सरकार और पार्टी आज इतनी नीचता पे आ गई है कि हमारी बहन बेटियों को ब्लैकमेल करके और इनकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आपत्तिजनक स्थितियों में, जब सीडी द्वारा जो जानकारी मिली है वो कहीं किसी न्यूज के पास या सीबीआई के पास भी 10 दिन पहले ये कंप्लेंट जा चुकी है, जो मेरे पास विश्वास सूत्रों से जानकारी है। और ये कंप्लेंट जो ओम प्रकाश का नाम आया है, ओम प्रकाश ने मुख्यमंत्री को भी कंप्लेंट दी थी 6 महीने पहले, 200-300 लोग लेकर के गया था ये बेचारा, और जो है आज ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी कुछ लोग गए थे, मुझे तो जानकारी है नहीं, ठीक है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो कंप्लेंट इन्होंने दे रखी है, मेरे भी कहीं से हाथ लगे, ठीक है, ठीक है। वरुण वरुण बनाए रखिए आप, जय किशन जी को अपने साथ।